इंदौर शहर में प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी आरोपियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में आरोपी राव थाना क्षेत्र में दो पुलिस जवानों पर हमला कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वारदात को लेकर बताया जा रहा है कि राव थाना पुलिस देर रात राव पीथमपुर रोड पर चेकिंग कर रही थी कि तभी नजदीक बनी चाय की दुकान से एक युवक ने चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मियों को सूचना दी कि अंधेरे में खड़े कुछ युवक कोई वारदात को अंजाम देने की बात कर रहे हैं। सूचना मिलते ही दो पुलिस जवान मौके पर पहुंचे, उन युवकों से पूछताछ करने की कोशिश की तो आरोपियों ने दोनों पुलिस जवान अमीन खान और अजय पर नुकीली वस्तु से हमला कर फरार हो गए। जब तक कोई अन्य पूरी घटना को समझ पाता तब तक दोनों ही आरोपी मौके से दीवार फांद कर भाग चुके थे। घटनास्थल पर घायल पुलिसकर्मियों की आवाज सुनकर अन्य पुलिसकर्मियों और सड़क से गुजर रहे लोगों ने निजी हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया। ये राव पीथमपुर रोड पे थाना राव की चेकिंग आज शाम को चल रही थी, उस दौरान एक चाय की गुमटी से सुनील नाम का व्यक्ति आया। उसके द्वारा पुलिस वालों को बताया गया वहाँ चेकिंग करने वाले जो व्यक्ति थे कि एक व्यक्ति है कुछ संदेहास्पद लग रहा है और उसके पास कुछ हथियार वगैरह कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। इस पर से जो चेकिंग पे लगे हुए जवान और हेड कॉन्स्टेबल थे उसको देखने के लिए गए। जैसे ही उसको पकड़ने का प्रयास किया तो उसके द्वारा किसी नुकीली चीज़ से वार किया गया और वार करके वो भाग गया वहाँ से। तो इसमें हमारे तराऊ थाने के हेड कॉन्स्टेबल अनीस और अजय, इन दो लोगों को चोट आई है उसमें से और दोनों अभी इलाजरत हैं। उनकी स्थिति ठीक है और अभी उस संबंधित आरोपी की तलाश की जा रही है। सर, कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह बरामद किए हैं? पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज अभी देखे जा रहे हैं और आसपास लगातार अभी काफी अधिक बल के साथ सर्चिंग भी की जा रही है और आरोपी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल 5 दिनों से शहर में पुलिस की लगातार गश्त और चेकिंग के चलते अपराध रुके हुए थे, लेकिन पुलिस पर ही हमले के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।